ये हजार हजार के टिकट्स के हम भिखारी हैं, हम कौन है? अपने माइंड सेट को चेंज करो। यही हजार हजार के टिकट जावेद मियांदाद को भेजोगे? यही हजार वाले टिकट शाहिद अफरीदी को भेजोगे? यही हजार वाले ज़हीर अब्बास को भेजोगे? मतलब हम कौन है? ऐसे हजार वाले टिकटों को ना बात सुनो भाई, हजार वाले टिकट है ना, इसको मैं यूं देख रहे हैं, ये टिकट्स हैं, यूं इसको फाड़ के ना मैं यूं फेंकता हूं इन हजार हजार टिकट को। तनवीर ने जो गलती की है, ग्रेट लिटिल मास्टर हनी मोहम्मद जो मेरे डैडी है, मेरे मौसी ने उनके पास फाड़ा ना, ये चीज पड़ोसी मुल्क में इसका बहुत मजाक उड़ाया जाता है। अब ये जो तनवीर अहमद है, इसको पाकिस्तान में कोई बंदा नहीं पूछता, इसकी शक्ल जग नहीं होता, जग का पता है ऊपर वाला ऐसा खुला होता है, इसका नीचे वाला भी खुला हुआ है, ये दोनों जानब से खुला हुआ है, इस तरह की इसकी शक्ल है, और चीजें देख लो बैठ के, बकवास करेगा बैठ के फजूल, कभी जब किसी बंदे को पकड़ ले। आपको याद है कि ये वही तनवीर अहमद है जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के फॉर्मल प्लेयर जो है वो टॉयलेट साफ करने की नौकरियां भी करने को तैयार है। पीसीबी में फॉर्मल क्रिकेटरों को टॉयलेट की भी जॉब मिले करने को तैयार, ये बात कहने की होती है। इनका भी मेंटली प्रॉब्लम है, इनका भी वो प्रॉब्लम है, मेंटली प्रॉब्लम है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, आप देख रहे हैं सुपर पावर इंडिया न्यूज़। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप को लेकर विवाद चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की 5 ओडीआई की सीरीज़ भी चल रही है, लेकिन इस सीरीज़ को देखने के लिए पाकिस्तानी ऑडियंस ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं है और वे पूरी तरह से आईपीएल को प्रेफर कर रहे हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटरों को फ्री में टिकट देकर स्टेडियम में मैच देखने के लिए बुलाया है, लेकिन ये टिकट्स लो लेवल होने के कारण पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर पूरी तरह नाराज़ हो चुके हैं और उन्होंने लाइव डिबेट में इन टिकटों को फाड़ कर अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो को। ये क्राउड वाला मामला क्या है कराची में? क्राउड अभी आज तो खैर गर्मी बहुत है, शाम में लोग आ जाएं, ये एक ना कंपैरिजन यार, देखें बात कह रहे कराची में मैच कम कर, देखें मेरी बात सुनो, आप लोगों की बात की, टिकटों की बात की ना, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मुझे मेरे पास पीसीबी की तरफ से टिकट्स आए, ठीक है, ये टिकट्स देख के मुझे मेरे पीसीबी की तरफ से टिकट्स आए हैं। अच्छा, ये देख के मुझे इतना गुस्सा आया है। अब मुझे बताएं, ये एज अ टेस्ट प्लेयर पीसीबी ने हमें टिकट्स भेजे, ठीक है, हनीफ मोहम्मद के टिकट भेज दिए, हजार हजार रुपए वाले टिकट भेजे, एक दिन के 3 वनडे, एक दिन के 4 टिकट्स भेजे, ये 12 टिकट्स हैं। मुझे ये बताएं, एज अ टेस्ट क्रिकेटर हमें टिकट्स भेजे जा रहे हैं, तो क्या हमें चेयरमैन बॉक्स के नहीं भेजने चाहिए? हमें क्या वीवीआईपी के टिकट्स नहीं भेजने चाहिए? ये हजार हजार के टिकट्स क्या हम भिखारी हैं? हम कौन है? अपने माइंडसेट को चेंज करो। यही हजार हजार के टिकट्स जावेद मियांदाद को भेजोगे? यही हजार वाले टिकट शाहिद अफरीदी को भेजोगे? यही हजार वाले ज़हीर अब्बास को भेजोगे? मतलब हम कौन है? ऐसे हजार वाले टिकटों को ना बात सुनो भाई, बाजी में बाजी ये हजार वाले टिकट है ना, इसको मैं यूं देख रहे हैं, ये टिकट्स हैं, यूं इसको फाड़ के ना मैं यूं फेंकता हूं इन हजार हजार टिकट को, और ये 12 टिकट बनते हैं, अगर पैसे भी लेने तो 12,000 रुपए मेरे जेब में पड़े हुए, ये मैं आप लोगों के हाथ में देता हूँ, ये 12,000 रुपए, ठीक है, हमने पाकिस्तान को सर्व किया है। अगर टिकट्स बेचते हैं, हर मैच में बेचते हैं, आपको भेजने चाहिए, अगर नहीं भेजने तो भाई मत भेजा करो, और भेजने हैं तो भाई तरीके के टिकट्स जो है ना वो हमें भेजा करो, हम भीख मंगे, हम ये पागल वागल नहीं है। पाकिस्तान के फॉर्मल टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद के हवाले से कि जिन्होंने एक टीवी शो में शिकवा किया पाकिस्तान के बोर्ड से कि उनको जो है वो चेयरमैन बॉक्स के टिकट भेजने चाहिए थे। पहले तो साहिद भाई ये बताइएगा, ये शिकवा यहाँ तक सही था कि उनको बेहतर इंक्लोजर के टिकट मिलने चाहिए थे, लेकिन जो उन्होंने नाम लिए कि उन्होंने मियांदाद की बराबरी करने की कोशिश की, उन्होंने ज़हीर अब्बास की बराबरी करने की कोशिश की, उन्होंने शाहिद आफरीदी की बराबरी करने की कोशिश की, ये तीनों नाम ऐसे हैं कि पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में नामों का डंका बजता है, और आप उसी हनीफ मोहम्मद के इंक्लोजर के नाम के टिकट फाड़ रहे, जरा से भी शर्म, जरा से भी गैरत, जरा से भी हया नहीं आती एज अ टेस्ट क्रिकेटर आपको कि इतने बड़े लेजेंड के इंक्लोजर के नाम के आप टिकट फाड़ रहे? देखिए, बहुत बड़ी ज्यादती है, टिकट फाड़ रहे हो यार, आपको जानता कौन है? आप मुझे बताओ, आप हो क्या इस तरह की बात कर रहे हो? आप पाकिस्तान के हर प्लेयर के पीछे पड़ जाते हो, मोइन खान के बेटे को आप करते हो बम्पर मार दो, मोइन खान के बेटे के पास बल्ला नहीं है क्या? तुम बल्ला बम्पर मार दो, कैसी बल्ला बम्पर मार दो, वो भी एक क्रिकेटर है, क्रिकेटर का बेटा है यार, वर्ल्ड क्लास का बेटा, वो आज पाकिस्तान की दुनिया की तमाम लीगें खेलता है। आप मुझे बता, जिसको चाहते हैं आप खींच रहे होते, आप कौन हो तो कहने वाले? आपको नहीं लगता? एक मिनट, पीसीबी को इस पे नोटिस ले,
देना चाहिए पीसीबी के चेयरमैन को, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेटर जाकिर खान साहब, जो यकीनी तौर पर बहुत अच्छी इंतजाम कर रहे हैं, पीसीबी की मैनेजमेंट को टिकट फाड़ने पे नोटिस लेना चाहिए। ये चीज गलत है। अगर आज टिकट फाड़ा, कल को दूसरा लड़का उठ के ये बात करेगा, ये चीज गलत। आपको याद है कि ये वही तनवीर अहमद है जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के फॉर्मल प्लेयर जो है वो टॉयलेट साफ करने की नौकरियां भी करने को तैयार है। यार देखिए कितनी बड़ी जुल्म बात है, पीसीबी में ये बात कह दी थी, पीसीबी में फॉर्मर क्रिकेटरों को टॉयलेट की भी जॉब मिले करने को तैयारी, ये बात कहने की होती है। इनका भी मेंटली प्रॉब्लम है, इनका भी वो प्रॉब्लम है, मेंटली प्रॉब्लम है, इनको भी मेंटली प्रॉब्लम अपनी सही कराना चाहिए और टोटली इलाज करना। देखिए आप किसी, हम भी तनकीद करते हैं, हम नहीं तनकीद करते, हम भी बहुत तनकीद करते हैं, खिंचाई करते हैं, इस तरह की खिंचाई थोड़ी करते हैं। मुझे तनकीद से एतराज ही नहीं है, मुझे एतराज ये है कि इन्होंने बराबरी करने की कोशिश की पाकिस्तान के लेजेंड के, इन्होंने टिकट फाड़ा उस हनीफ मोहम्मद का कि जिसको पूरी दुनिया लिटिल मास्टर के नाम से जानती है, जिसको सचिन तेंदुलकर कहता है लिटिल मास्टर, ओरिजिनल हनीफ मोहम्मद है, जिसको सुनील गावस्कर कहता है, जिसको ईएन चैपल जिसके लिए मैसेज भेज रहा है, फर्रुख इंजीनियर जिसके लिए मैसेज भेज रहा है, उसके नाम के आप टिकट खुद फाड़ रहे, तो दुनिया आपकी कैसे रिस्पेक्ट करेगी? भाई एक बंदा तनवीर अहमद, आपने देखा होगा कि वो ना फजूल किस्म की बकवास कर रहा है आजकल बैठ के, मैं देख रहा हूं, मैंने 3-4 वीडियोस देखी है, मैंने इग्नोर किया, मैं चल इंसान का बच्चा बन जाता, लेकिन ये नहीं इंसान का बच्चा बन रहा। मतलब अब इस कंजर ने ये चीज स्टेटमेंट दे दी है कि जी बीसीसीआई ने जो है वो एशिया कप कैंसिल करवाने में जो है वो सबसे ज्यादा किरदार अदा किया। भजन बीसीसीआई ने एशिया कप कैंसिल करवाने में कोई काम नहीं किया, आपके पीसीबी ने चीजें ये की हैं। अब ये जो तनवीर अहमद है इसको पाकिस्तान में कोई बंदा नहीं पूछता, इसकी शक्ल वो जग नहीं होता, जग का पता है ऊपर वाला हिस्सा खुला होता है, इसका नीचे वाला भी खुला हुआ है, ये दोनों जानब से खुला हुआ है, इस तरह की इसकी शक्ल है। और चीजें देख लो बैठ के, बकवास करेगा बैठ के फजूल, कभी जो है किसी बंदे को पकड़ लेगा, अब बीसीसीआई को पकड़ लिया हुआ जी, ये इंडिया चाहता ही नहीं है पाकिस्तान के साथ खेलना, ये इंडिया जालस होता है पाकिस्तान से, ये वाली बातें कर रहा है, वो वाली बातें कर रहा है, खुद इसको पाकिस्तान में कोई बंदा वो कहते ना हौसला भी नहीं देता, और भाईजान इसको मजमे में कोई उंगल भी नहीं देता, इस तरह की औकात है इसकी। ये जो टिकट है ये पीसीबी अपनी तरफ से हमें बेचता है, मतलब पीसीबी अगर अपनी तरफ से हमें बेचता है इसका मतलब ये है कि हम कोई स्पेशल लोग हैं तो पीसीबी हमारी तरफ से बेचता है ना, वरना हर किसी को पीसीबी अपनी तरफ से फ्री में भेज दे। अगर आप हमें टेस्ट क्रिकेटर समझ के इनवाइट करने के लिए भेजते ना कि हम आपको टिकट फ्री में भेजें, आप इनवाइट करें, हम आपको इनवाइट करें, आप आके बैठें, तो वो जो बिल्डिंग बनी हुई है नेशनल स्टेडियम के अंदर जिसके अंदर चेयरमैन बॉक्स भी बना हुआ, जिसमें हॉस्पिटैलिटी वाला भी टिकट है, जिसमें वीवीआईपी का भी टिकट है, तो हम टेस्ट क्रिकेटर को ये मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ, ये जो हमारे लोग हैं ना इन्होंने डिफरेंस रखा हुआ है।